हसन साहब मरीम नवाज ने पंजाब की पाँच साल तरक्की का रोड मैप पेश करते हुए कहा कि एयर एम्बुलेंस समेत बड़े बड़े मनसूबे शुरू करेंगे पाँच आई टी सिटीज़ बनाएंगे सेहत कार्ड रीडिजाइन करेंगे इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट तमाम शहरों में शुरू करेंगे आवाम से किया एक एक वादा पूरा और ख़दमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे ये वही मरियम नवाज़ है नकुमरान खानदान और मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई असासे नहीं वही नवाज शरीफ की साहब दादी और शहबाज शरीफ की भतीजी हमजा की कजन वही है ना जी वही है अच्छा अच्छा देखो बात सुनो मतलब बेखबरी लाइलमी या जहालत जो इसका तो कोई इलाज नहीं है पंजाबी में कहते हैं पल्ले नी तेला करती फिर दी फिर मेला मेला समझ गए एक उसूल है मार्केटिंग का टारगेट्स हमें हमेशा अचीवेबल टारगेट्स होने चाहिए आदाफ ऐसे मुकर करो जिन तक तुम पहुंच सको यह है ड्रीम सेलिंग यह है खाफ फरोशी गप्पा छी जाओ अच्छा इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है इस ये जो कुछ भी आपने बताया है के साफ सुथरा पंजाब और गलियों में गटर उबलते हैं गलियां टूटी हुई हैं कच्ची आबादियों के ढेर लगे हैं वहां बुनियादी सहूलियात का नामो निशान नहीं है ये छुतरा पंजाब कितो छुतरा सुथरा तो, तो लाहौर नहीं है चंद मुतम्वल बस्तियां छोड़ के लाहौर क्या है ये कबाड़ खाना आएंगे जाओ कभी अंदरून शहर और इधर उधर इस तरह के जो मोहल्ले हैं जाओ जाके देखो उनके हालात क्या है एक ऐसा शहर जहां पानी मिलता है आर्सेनिक वाला यानी जहरीला और ये वासा का अपना बयान है मैं नहीं कह रहा अच्छा सेफ सिटी वो सड़कें महफूज नहीं है सेफ सिटी केडा सिटी केडा सिटी सेफ ठीक बच्चों के साथ मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती से लेके कतल ये वो सारा वो, अच्छा एयर एम्बुलेंस अब एयर एम्बुलेंस ये दे, देखो ना ये डिजाइनर्स कपड़े बोल रहे हैं, गोली मार। इतनी महंगी हो गई है आम आदमी छोटी से छोटी बीमारी की छोटी से छोटी सस्ती से सस्ती दवा अफोर्ड नहीं कर सकता एयर एम्बुलेंस का ड्रामा की करना सुनो 24 घंटों गुजशता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में एक हजार एक सौ फिफ्टी नाइन ट्रैफिक हादसा आठ जहां बहक पिछले चौबीस घंटों में एक सौ उन्नीस अफराध जख्मी वफाकी वजीर से डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल दो लाख से जायद अफरादीबी से मर जाते हैं पॉपुलेशन देखो पंजाब की वर्कआउट कर लो खुद ही क्या बनता है? अच्छा अभी कल की बात है कल की जान बचाने वाली एक सौ छियालीस अदवियात की कीमतों में इजाफा हुआ है अब मुझे ये बताओ खाने को रोटी नहीं रोज रॉयस खरीदने चले हैं, लोगों को देखो बात सुनो ये इनकी ट्रेडिशन है इस खानदान की, ये बड़े बड़े मनसूबे प्रोजेक्ट खाब दिखाने पर क्या मतलब ये ड्रीम सेलर्स हैं अब अगर पंजाब में इनको धुतकारा गया तो उसकी वजह है कि अब ड्रीम सेलिंग मुमकिन नहीं रही क्योंकि ड्रीम बायर्स नहीं रहे वो जो पिछले साल की मरखप गई वो चालीस साल की जो नस्लें थी वो भुगत भुगत के तंग आ गई अब उनके बच्चे बड़े हो गए उनको कुछ समझ आ गई आ गई अच्छा बात सुनो आईटी सेंटर बना के करना क्या है जो करोड़ों बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बेकार फिर रहा है वो तो पहले उसका तो सोच लो कुछ लॉजिकल बात करो पांच आई सेंटर और ढाई करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर उनका सोचो खोखली बुनियादें तुम्हारी सब कुछ भूल जाओ दो तीन चीजों बुनियादी बुनियादी हैं इलाज की बुनियादी गरीबा ना एम्बुलेंस क्या है एर एम्बुलेंस और प्राइमरी लेवल पे टीचर्स को अपग्रेड करो उन पे फोकस करो ये दानुष्मान स्कूल के में बंद लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करो टीचर्स की को तनख्वाही उनकी ट्रेनिंग उनको अपग्रेडेशन का मामला अच्छा ये मेरी समझ से बाहर है ये किस दुनिया की गुफ्त है जो आपने मुझे बताई है मुफ्त, मुफ्त क्या मुफ्त लोग खुदकुशियां कर रहे हैं ये से. अच्छा ये अगेन मैं एक बात आपको बताऊं मार्केटिंग है एक बुनियादी देखो आप अगर किसी कंपनी की मार्केटिंग uh, साइड के सरबरा हो और आपकी कंपनी ने इस साल uh, पचास करोड़ मैं ये एक फिगर बोल रहा हूं अगले साल के लिए आप इनको उनको, उनको टारगेट दे दो सौ करोड़ का वो तो कंपनी छोड़ जाएंगे अचीवेबल टारगेट दिया करते हैं कदम ब कदम चला कर, करते हैं दीन की ये वो बातें करनी समझा देखो हजूर को टास्क मिला चालीस साल की उम्र हम ईसवी कैलेंडर के मुताबिक इकसठ साल में आप रुखसत हो गए और आ, हमारे कैलेंडर के मुताबिक तिरसठ साल वक्त कितना मिला कुछ देर तो वो चुप रहे वो इतनी सी आबादियों को रिफॉर्म करने के लिए ताइफ के पत्थरों से लेकर के के जख्मों तक ये ऐसा एक पिक्चर अच्छा कचियाबादियों की जरूरियात वहां से शुरू कर बीबी वरना ये ऑफ डेथ होगा ये मैं मैं जो पहले बकता रहा हूं ना पिछले दो ढाई तीन साल से कि ये आ जाएगा ये बंदा तो ब्लफ कॉल हो जाएगा ब्लफ कॉल हो गया ये जून जुलाई की के महीने में तपती रेत पे पड़ा हुआ बर्फ का ब्लॉक है नून लीग अगर कोई चांस है भी तो अच्छा दूसरी बात यह है कि करप्शन को कंट्रोल करने की बात करो एशियन टाइगर को मारो गोली हम एशियन बिली भी नहीं रह गए हम्बल तरीके से स्टार्ट कोई बड़के ना मारो जरूरत नहीं है करोगे दिखाई देगा सुनाई देगा उसकी खुशबू आएगी और एक बात याद रखना यह जो बंदा गया है ना या जा रहा है अगर जाता है मुझे नहीं पता मौसम नकवी खारदार कांटों की सड़क बिछा गया है आज पहली दफा ये बात कर रहा हूं जो कुछ उसने डिलीवर किया ना वो पॉलिटिशियन है ना को गल ना को बात ना को आगा ना को वंडर्स लोग तारीफ कर रहे हैं आपको जरूरत ही कोई बड़के मारने की तालीम पे फोकस करो तो ये जो तरबियत होती है हुनरमंद अफराद पैदा करने की उधर जाओ गुरबत से आगाज करो कच्ची आबादियों के एयर एम्बुलेंसें वगैरह छोड़ो ये नहीं चलना ये ये नहीं चलने, ये नहीं नहीं, चलने होने all these targets are unachievable, इनका अंजाम और दूसरी बात ये है, पले तो है टाइम तो ही कोई नहीं। लेकिन चलो आ वैसे हसन साहब, नून लीग को जून जुलाई की तपती धूप में बर्फ के पिघलते ब्लॉक से तस्बी दी मगर अब कुछ हलकों का ख्याल है कि मरियम नवाज नून लीग की पंजाब में गेम पलट देंगी अल्लाह करे ऐसा हो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अल्लाह पाक के रहम का करम का उसके कुछ वो मशरूत होता है अल्लाह पाक की सिर्फ जन्नत ही नहीं जहनु में भी याद रखो क्यों स्ट्रेटजी हिकमत अमली फिर उस पर अमल दरामद दिन रात मेहनत सबसे पहले तो अपना अटायर चेंज करो हजरत तम उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में पढ़ो वो जिस गली से गुजरते थे उसके घंटों बाद तक लोगों को पता चला चल जाता था उमर बिन अब्दुल अजीज क्या है महंगा तरीन दुनिया का परफ्यूम यूज करते थे खलीफा बने तजारती काफिले के साथ गया हुआ दोस्त था वो छह आठ महीने के बाद वापस आया पहचान ही नहीं सका अपना आप तब्दील करो ये जो तलने बंद करो जरा देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है तुम्हें तो मुझे नहीं चाहिए प्रोटोकॉल वो इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी से ज्यादा हिफाजतीसार मौत आई हो तो नहीं टलती न खरे और ये बंद करो तो खुदा की कसम एम एन ए का टिकट लेने वाला कोई ना रहे इनकी इस तरह की हरकतें बंद कर दो आपको कैंडिडेट ना मिले मुझे बताओ ये चंद टकों के लिए को वहां जाए छन तो ये तो फ्लो वो 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 अच्छा आधे तो बोलते नहीं पूरा पूरा साल कुड़े बन के बैठे रहते हैं मुझे बताओ वजह सबसे पहले कहो कि मैं घर से शुरू कर रही हूं मैंने खुद को डिग्रेड करने का फैसला किया है। नो प्रोटोकॉल एक आध बुलेट प्रूफ गाड़ी एक दो को पुलिस की कोई एम्बुलेंस वगैरह अगर इमरजेंसी के लिए वो खत्म और मेरे लिए कोई सड़कें बंद नहीं होंगी करो तो मजा आए ना बाकियों को भी दांतों के नीचे पसीना आ जाए तुम्हारे तो अंदाज नाज नी मान वो उतना टोटल मजमे के लिबास की कीमत नहीं होती जितने का कोर्ट बीबी ने जेब तन फरमाया होता है तो जाने दो या करो फिर बनो बनू मैया कहते उमर बिन अब्दुल अजीज कोई मतलब कुछ भी नहीं वो तो वो क्या कहते हैं उसको मलूकियत थी मैं खुलफाए राशिदीन में से किसी की मिसाल नहीं दे रहा उनको पांचवा खलीफा मानो वजह क्या ही वाज़ अ प्रिंस राजकुमार शहजादा उजड़ के रह गया अब सुनो एक बार वो मैं उमर बिन अब्दुल अजीज की बात कर रहा हूं करते हुए भी शर्माती हैं जिस के लोग है लोग हैं आपने अपनी अहलिया से कहा कि बहुत दिन हो गए मीठा नहीं खाया कुछ कर गई राशनिंग होती थी वो क्या कहते हैं उसको बैतुलमाल वगैरह से हफ्ते दस दिन के बाद उस खातून ने मीठा रखा दो चम्मच या जो भी था वो लिए रख के कहते बहुत मजेदार है लेकिन ये कैसे बना लिया तुमने कहा इतनी गुंजाइश ही नहीं होती तो पता नहीं सूजी निकाली इतना तो उनकी अहलिया ने कहा तो बात सुनो किस्को स्टोरी टेलर्स उन्होंने कहा कि मैं इतना एक हफ्ते से मैं बचा रही थी तो सूजी पता नहीं क्या कोई बनाना था को काम आप चुप कर गए बाकी नहीं खाया अगले दिन बैतुल माल से कहा मेरे घर में इतना फालतू आटा है बंद कर दो कौन उसकी एक महीने की कमाई में आपकी मौजूदा सारी एंपायर खरीदी जा सकती है मुसलमान कहां पहुंचा हुआ था उस वक्त ये मैं बनु मैया की बात कर रहा हूं वो ये जो यजीद की लड़ी और अमीर मुआबिया साहब की जो चल रही थी ये उसकी बात कर रहा हूं नहीं होता घर से फिर तो को बरकत भी पड़ेगी बाकी रद्दी का ढेर है सारे का थारा चलो बिल्कुल दुरुस्त तो फरमाया साहब आगे चलते हैं आसिफ जरदारी सदर शबाज शरीफ वजी आजम चेयरमैन सेनेट गवर्नर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के होंगे इस पावर शेयरिंग फार्मूले पर आप क्या कहेंगे देखो पहले एक वाक्य सुनो मेरे पास एक किताब है बड़ी नायाब उसमें हैं बलोची जबान की हकायतें और मुहावरे अगर बोर हो जाओ तो माफ कर देना लेकिन मुझे इसी तरह बात बतानी आती है मुझे वो क्लर्कों की तरह ये 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 ये, ये, ये इतने है, करें। इतने है, इतने है, वो नहीं अच्छा चलो वो बलोच सरदार से किसी ने पूछा कि इंतकाम बाबा कितनी देर तक ये को फख्र की बात नहीं लेकिन रिवायात की बात है जरदारी साहब बलोच हैं तो उसने कहा कि तेल का मटका लो बड़ा उसमें बाजू डालो बाहर निकालो फिर दूसरा मटका हो तिलों से भरा हुआ उसमें बाजू डालो जितने तिल तुम्हारे बाजू के साथ चिमटेंगे उतने सौ साल जरदारी साहब की जबान काटी थी उन्होंने शारक काटने से सियासी शारक कंपनी रुकना कंपे बलोच सरदार है एक बात याद रखना ये जो तुम्हें हियत सुनाई है, का, है, सुना है ये बलोची ऑथर का लिखा हुआ उर्दू तर्जमा है बलोची जुबान में ओरिजिनली लिखी गई है तो जबान काटने का जवाब है कि सियासी शारक काट दो वो कट चुकी है तो देखो जरदारी साहब ने तो कमाल ऐसा किया है सांप भी मार दिए सारे लाठी भी नहीं टूटने दी आगे आगे देखो होता क्या है इनका तो पहले ही लास्ट ट्रेनिंग मैंने कहा था ना बर्फ का पिघला हुआ ब्लॉक जो थोड़ा सा जो कीचड़ कूचड़ पानी पुनी रह गया है वो एक वाइपर आएगा वरना हवा सुखा देगी उसको